दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपना गूगल पे यूपीआई पिन नंबर भूल गए तो कैसे पता कर सकते हो अपना गूगल पे यूपीआई पिन नंबर, कैसे आप फॉरगेट कर सकते हो अपना गूगल पे यूपीआई पिन नंबर। दोस्तों गूगल पे में यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट करने का जो स्टेप्स है बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि गूगल पे में यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट कैसे करते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको वीडियो में बिना कोई स्टेप को स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपको अपने फोन में गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले अगर आपका गूगल पे ऐप अपडेटेड नहीं है तो सिंपली आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर वहां से अपने गूगल पे ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको अपना गूगल पे को ओपन करना है। यहां पे दोस्तों अगर आप गूगल पे ओपन करने के लिए कोई पासवर्ड लगा रखा है तो यहां पे वो पासवर्ड फिल करके आपको ओपन कर लेना है अपना गूगल पे। तो यहां पे आपको गूगल पे में यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट करने के लिए यहां पे आपको सबसे टॉप राइट कॉर्नर में एक प्रोफाइल का ऑप्शन रहता है, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो। तो सिंपली यहां पे आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहां पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो सिंपली यहां पे आपको इस पे टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके गूगल अकाउंट में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ऐड है तो यहाँ पे आपको वो बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिसका कि आपको यूपीआई पिन नंबर फॉरगेट करना है। तो जैसे मुझे इस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट करना है तो यहाँ पे मैं इस बैंक अकाउंट पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट करने के लिए जैसा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जा रहा है फॉरगेट यूपीआई पिन, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे एंटर कार्ड डिटेल्स में आपका जो बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड होगा उस एटीएम कार्ड का नंबर लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नया यूपीआई पिन नंबर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग नया यूपीआई पिन नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको कन्फर्म में एक बार फिर से नया यूपीआई पिन नंबर फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब दोस्तों आपका जो गूगल पे का यूपीआई पिन नंबर होगा नया यूपीआई पिन नंबर सेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप जब भी पेमेंट करोगे गूगल पे के माध्यम से तो अब यहाँ पे आप नया यूपीआई पिन नंबर फिल करके पेमेंट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप गूगल पे में यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट कर सकते हो, पता कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया हो कि गूगल पे में यूपीआई पिन नंबर को कैसे फॉरगेट करते हैं। और अगर दोस्तों आपको गूगल पे में यूपीआई पिन नंबर को फॉरगेट करने में कोई परेशानी आ रही है, फिर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।